गाइज अभी ना हम एकदम टीला पे आ चुके हैं और हमारे दीपक अरे किधर चलना है टीला पे बता रहा है इधर चलना है भाई इसके आगे और जाना है अभी ऊपर भी देख सकते हैं नीचे लकड़ी से बना हुआ है तो अभी ना ये चल रहे होते हैं तो एकदम से हिल रहा है थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और काफी डर भी लग रहा है। ग्लेशियर के पास है देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ने में ना बहुत दिक्कत हुई है बहुत तकलीफें हुई है। सो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है और अभी ना हम आ चुके हैं गांव की तरफ और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा इधर एक ही गाँव और इधर देख सकते हैं पहाड़ की तरफ एकदम गाँव है और इधर हमारी गाड़ी लगी हुई है और इस रूट से हम अभी ना चल के आए हुए हैं अभी आपको दिखाते हैं यहाँ देख सकते हैं रूट देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों को काट काट के रूट बनाया गया है देख सकते हैं वहां से उस होके मतलब किस तरह से रूट बनाया गया इसी रूट से अभी हम आए हैं आपको देखने में बहुत नजदीक लग रहा होगा लेकिन यहां से कम 4 से 5 किलोमीटर है जो कि देख सकते हैं वहां पे एक गाड़ी जा रही है वो मेन रूट है और इसी होके अभी हम आए हुए हैं और अभी ना मतलब कि हिमाचल में ठंड बढ़ चुकी है जो कि देख सकते हैं अभी ना जैकेट वैकेट मतलब पहने हुए हैं और यहाँ पे ग्लेशियर भी आ चुका है और अभी ना देख सकते हैं इधर धुआं धुआं देख सकते हैं एकदम से धुआं धुआं सा दिख रहा होगा आपको देख सकते हैं इधर धुआं सा दिख रहा होगा इधर भी आपको दिख रहा होगा और इस साइड भी दिख रहा होगा इधर ना अब ना मतलब कल बहुत तेज बारिश हुई थी जैसे कि इससे पहले भी एक ब्लॉग में आपको दिखाए थे हम लोग को मतलब कि पुलिस ने मना कर दिया था मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कोई नहीं मतलब कि कल जो बारिश हुई ना उससे ज़्यादा मतलब आज ठंड बढ़ चुकी है कल बारिश भी हुई थी बहुत तेज रफ्तार में सो अभी ठंड है और मतलब कि ग्लेशियर भी जैसे कि होता है ना ग्लेशियर भी एकदम मतलब कि बढ़ गया है यहाँ पे हिमाचल में और अभी देख सकते हैं रोडों की जो हालत है इसी रोड से अभी हम आए हुए हैं और एक ब्रिज भी है जो कि यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद ब्रिज होके आती है ये रास्ता जो ब्रिज होके आती है तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब कि फलों की जो सेब की खेती होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है सेब की खेती और अभी ना ये देख सकते हैं पीछे हम आपको ये जो पौधा दिख रहा होगा ये सेब की ही खेती है आपको हम कितना बार सेब का खेती मतलब किस तरीके से होता है सेब कैसे यहाँ पे लगता है ये चीज़ मतलब कि वीडियो में बता चुके हैं देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी आलू का खेती हो रहा है और यहाँ का आलू जो होता है ना वो बहुत बहुत ही पॉपुलर आलू होते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ के चंद्रमुखी ऐसे कुछ नाम करके होता है जो कि यहाँ के लोग हिमाचली आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरे जगह में और ये देख सकते हैं अभी ना हम सेब की खेती फिर से आ गए हैं ये देख सकते हैं सेब कितना लगा हुआ है देख सकते हैं ये सब ना सेब की खेती है ये देख सकते हैं ये सेब की खेती है वहाँ पे देख सकते हैं घर सो ऐसे मतलब आपको ना हम सेब दिखाने के लिए इधर आए हुए थे तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए और भी कुछ होता है अपने लाइफ में तो आपको मैं बताऊंगा जो जैसे भी कुछ भी घटना होती है चाहे कुछ भी यूनिक देखते हैं आपको वीडियो में मिल जाएगा तो आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तब तक बने रहिए वीडियो में। सो फाइनली गाइस जैसा कि अभी ना हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी ना यहाँ से निकलेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा मतलब उसमें वाटर पार्क भी है ड्राई पार्क भी है सारा ठीक है और हम लोग को 400 रुपए में पास मिलता है ठीक अच्छा। है हाँ उसमें सब फ्री तो हाथ में बैंड बांध देगा अपना घूमते रहो सब वाला पास लेकर के निकल लेते हैं तो और ना मतलब का आदमी कौन पैसा हाँ जैसे जो अननोन आदमी उनको उनके लिए तो थोड़ा वो है ना पता नहीं हो पहले उधर जाते थे बोलो तो भाई 1100 रुपया दे के जाता है इसलिए अपना आदमी जब आता है ना तो हम लोग पास वास ले लेते हैं। सो फाइनली गाइस जब भी ना हम ब्रिज पे चढ़ने वाले ये सिंगल ब्रिज है और यहाँ पे फोर व्हीलर नहीं जाती है तो अभी ना हम ना फोर व्हीलर को पीछे में ही रख दिए हैं और अभी ना हम पैदल ही चल रहे हैं इस ब्रिज पे देख सकते हैं इस ब्रिज की ऊंचाई और जो लंबाई है तो अभी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिखाएंगे तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए यहाँ पे ना सिंगल वे है यहाँ से देख सकते हैं एकदम लकड़ी से बना हुआ है और नीचे में पिलर कुछ भी नहीं दिया गया है और ये देख सकते हैं और इसकी जो देख सकते हैं इसी पे टिका हुआ है और ये ब्रिज जो है
एकदम सभी हिल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ से, आप ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे लकड़ी से बना हुआ है। तो अभी ना ये चल रहे होते हैं तो एकदम से हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और काफ़ी डर भी लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सिंगल रास्ते पे और बिना पिलर पे चढ़ना, सफ़र करना, ये मेरे लिए। ये जो आपको मोटी मोटी लाइनें दिख रही है, सॉरी मोटी मोटी तारे जो आपको दिख रही है, यही है, इसी पे टिकी रहती है, तो देख सकते हैं। तो ये सभी ऐसे ऐसे करते तो हिल रही है, तो आप देख सकते हैं। ये वाकई मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी ना मुझे अंदर से मैं डर सा लग रहा है तो कभी अभी। और नीचे देख सकते हैं नदी, और आप उधर पहाड़ देख सकते हैं, मतलब कि पहाड़ से पहाड़ क्षेत्र में, मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस ना सच्ची में ये पहली बार, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं नीचे में और यहाँ पे और इधर देख सकते हैं एकदम से। तो अभी इसी तरह वीडियो बने रहिए और भी कुछ दिखाते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़, तो आप लोग वीडियो में इसी तरह बन लीजिए। और ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा पिलर है, इसी पिलर पे टिका हुआ है ये ब्रिज। तो और देख सकते हैं इधर ही बना हुआ है, तो आप इसी तरह बने रहिए। आप इधर देख सकते हैं कितने सारे सेब की पेड़ लगे हुए हैं, और ये देख सकते हैं कितना एकदम सुंदर सुंदर सेब है, ये देख सकते हैं ये सेब है। और इधर भी एकदम से सेब, आपको नस्ल जो है मतलब जितना भी सेब दिखेगा सबका एक एक दूसरे से अलग नस्ल का सेब है। और ये देख सकते हैं सेब की खेती, और हमारे भाई साहब जा रहे हैं आगे में बात करते करते, ये जिधर भी जाते हैं ना सेब तोड़ लेते हैं। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं इसका नस्ल जो है सेब का, देख सकते हैं एकदम लगा हुआ ना। तो चलिए और भी कुछ तो दिखाते हैं। फाइनली गाइस अभी ना हम एकदम टीला पे आ चुके हैं और हमारे दीपक, अरे किधर से टीला पे बता रहा है, इधर चलना है भाई, इसके आगे और जाना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बादल एकदम से नजदीक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना बादल को एकदम छू लेंगे। देख सकते हैं कितना नजदीक आ चुके हैं, और हमारे विवेक भाई देख सकते हैं यहाँ पे ना डर के आगे जीत है। चलिए और देख सकते हैं इसके आगे, लो हमारा जैकेट फंस गया, देख सकते हैं इसके, देख सकते हैं अभी ना एकदम लगता है एकदम हम लोग बादल को छू लेंगे, अब छुएंगे तब छुएंगे। ये देख सकते हैं कितना नजदीक आ सके, और देख सकते हैं घर कितना नीचे है और हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। और एक गांव है जिसका नाम है लिंडूर, ठीक है वही हम लोग अभी जा रहे हैं। सो देख सकते हैं अभी भाई रास्ता बहुत खतरनाक है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना लिंडूर जाने के चक्कर में ना हम लोग, भाई लिंडूर आगे है, सवारी बैठा लो, कोई सवारी वगैरह, देख सकते हैं सिंगल रास्ता है और अभी हम सफर कर रहे हैं, और बहुत बहुत खतरनाक रास्ता है भैया। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हिमाचल आइएगा तो ऐसा रास्ता खतरनाक पे मत चलिएगा, इसको गाने में चुट बचेगा कि हां बताओ ना, तो ऊपर में बहुत खतरनाक है, मगर दिल थाम के बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं एकदम से, देखिए चोटी ना एकदम दिख रहा, लगता है हाथ से पकड़ लेंगे, इतना नजदीक आ गया है। सो फाइनली गाइस नो अभी ना हम एकदम से ग्लेशियर के पास है, देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ने में ना बहुत दिक्कत हुई है, बहुत तकलीफें हुई है, हम लोग एकदम नीचे से आए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेशियर, और अभी ना एकदम पहाड़ के नज़दीक है, यहाँ पे बस्ती बहुत कम है और यहाँ से गिने चुने कम से कम 4 से 5 घर हैं यहाँ पे, और बहुत नज़दीक आपको ना मैंने ग्लेशियर दिखाया, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी नज़दीक पहाड़ है, और देख सकते हैं इधर भी ग्लेशियर है, आप ग्लेशियर ही दिखेगा यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी नज़दीक ग्लेशियर है। और यही ग्लेशियर ना मतलब पिघल के एकदम आता है और यही पानी पीते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कल उल चपा कल नहीं होता है, और यहाँ पे सारे लोग यहीं पे ठंडा पानी ही पीते हैं। और अभी ना जा रहे हैं नीचे, और अभी ना शाम होने वाली है और थोड़ी देर में ना हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने ग्लेशियर हैं, और हमारे साथ एक भाई साहब है वो निकल चुके हैं, क्योंकि हमें ना यहाँ पे सोची ग्लेशियर की आप लोग को किस तरह से ग्लेशियर जमता है। और ये देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल ये देखिए यहाँ से एकदम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखता है, ये देख सकते हैं एकदम स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ से, फिर जैसे जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं कितना ओसम वाला व्यू है। और अभी जा रहे हैं नीचे,
पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और यहाँ पे ना मतलब अभी तो फिलहाल बर्फ नहीं जमा है, लेकिन यहाँ पे बारहों मास इतनी ऊंची पे हम लोग चढ़ चुके हैं, इतनी ऊंची पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, यहाँ पे बारहों मास बर्फ जमते हैं। जैसे कि भैया से हम पूछे थे, यहाँ पे बारहों मास बर्फ जमते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल रोड बनी हुई है पैदल। और अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमने मतलब कि जिस लोगों से मिलना था, एक प्रधान से मिलना था, वहाँ पे मिल लिया है। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सो आप बने रहिए इसी तरह वीडियो में, और भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ नेटवर्क आ रहा है, जिस तरह वहां से यहाँ आना पड़ता है बात करने के लिए। तभी ना लोग टीला पे बैठा था, फोन ले लेके। हाँ भाई सही बोल रहे हो।